तो आज एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्रड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम मैवन प्रोजेक्ट लेंगे, जावा लैंग्वेज स्प्रिंग बूट वर्जन। लेट्स से नाम हम देते हैं क्रड डेमो, पैकेजिंग 17 जावा वर्जन। डिपेंडेंसी कौन सी ऐड करेंगे देखो, सबसे पहले तो स्प्रिंग वेब, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी, इसके अंदर एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर भी है, ओके। फिर हम ऐड करेंगे स्प्रिंग जेपीए, ठीक है, ये हमने जेपीए ऑलरेडी देखा है। एंड देन MySQL ड्राइवर, बिकॉज बिहाइंड द सीन हाइबरनेट JDBC को ही यूज़ करता है, तो हमें JDBC ड्राइवर लगेंगे। सो हम जनरेट कर देते हैं, तो ये डाउनलोड हो गया है, ओके। तो ये क्रड डेमो डाउनलोड हो गया है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, ओके, एक्सट्रैक्ट हो गया ये। अभी हम इक्लिप्स में आएंगे और इधर फाइल पे इंपोर्ट करेंगे एंड मैवन एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट नेक्स्ट। ये जो हमारे डाउनलोड्स में है क्रड डेमो, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फिनिश। ये हमारा क्रड डेमो यहाँ पे आ गया है और ये देखो यहाँ पे 9% हो गया है, ये पूरे इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हमने मैवन प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी देखा है कि कैसे वो हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, तो वो डिपेंडेंसी के अंदर उसको जितने जार चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर लेता है, ओके, ठीक है। तो ये 100% हो चुका है। अब अपन इसको ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, SRC मेन जावा के अंदर ये एक पैकेज है और ये एक एप्लीकेशन है हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम इसको रन करेंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट डॉट रन क्रड डेमो डॉट क्लास डॉट आर्म्स ये है, ओके। तो हमने ना यहाँ पे फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लिया है, तो ऑफलाइन क्लोज कर देते हैं इसको। तो हम कहाँ पे गए थे, विंडोज़ के अंदर प्रेफरेंस के अंदर ये देखो जनरल अपीयरेंस के अंदर कलर एंड टाइप, और यहाँ पे जावा एडिटर टेक्स्ट फॉन्ट सिलेक्ट करके हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और हमने 18 दे दिया, पहले 10 था, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया है सो दैट अभी हमको क्लियर दिखेंगे। तो 18 भी एक्चुअली ज़्यादा हो गया, हमने 16 करना चाहिए था, बट ठीक है। तो ये देखो यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, ओके। तो ये लेक्चर देखने के पहले तुम स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट ये दो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने डिटेल में देखा है कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है और स्प्रिंग क्यों यूज़ होता है, स्प्रिंग के अंदर कंसेप्ट जो हमने देखे थे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, एंड देन हमने स्प्रिंग बूट देखा था कि डिफरेंस क्या है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में, या एनोटेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने डिटेल में देखा है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो वो दो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या करते हैं, कौन से पैकेजेस बनाते हैं, कौन से लेयर्स होते हैं। एक हमने डिफरेंस भी देखा है, डिफरेंस बिटवीन JPA वर्सेस स्प्रिंग JPA, एंड देन हाइबरनेट ORM एंड JPA, ये भी एक वीडियो बनी हुई है। तो वो सब वीडियो एक बार देख लेंगे ना, फिर ये प्रोजेक्ट आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक पैकेज बनाएंगे, जो कि सबसे पहले पैकेज हम बनाते हैं एंटिटी का, ठीक है, एंटिटी, एक हम एंटिटी का नाम देंगे एंड देन और एक पैकेज बनाएंगे हम, और वो पैकेज कौन सा रहेगा, कंट्रोलर का, तो डॉट कंट्रोलर, ठीक है। और कौन से पैकेज बनाते हैं हम बाद में, बनाते हैं हम सर्विस, ठीक है, राइट क्लिक पैकेज सर्विस डॉट सर्विस, एंड देन लास्ट वन इज रिपोजिटरी पैकेज रिपोजिटरी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं, इसमें हम कोई एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं सीखने वाले हैं, या हम ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं करने वाले, ठीक है। एक बेसिक एप्लीकेशन जो हम क्रड एप्लीकेशन बैकेंड में बनेंगे और उसको हम पोस्टमैन में चेक करने वाले हैं। चार जो हमारे रहते हैं क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, ये चारों देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे यूज़ करके हम उसको कैसा सिक्योर कर सकते हैं, लॉगिन, साइनअप, ये सब बनाएंगे, एंड देन वी कैन ऑल्सो क्रिएट वन सिंपल प्रोजेक्ट ऑन दैट, एंड आफ्टर ऑल्सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एंटिटी के ऊपर जाते हैं एंड देन क्लास बनाते हैं। लेट्स से मैं एक एंटिटी बना रहा हूँ, एंटिटी कैन बी एनी थिंग, लेट्स से हम एम्प्लॉय
एम्प्लॉय नाम से एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो एक ये क्लास बन गई है एम्प्लॉय डॉट जावा, ठीक है। तो एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेट्स से सबसे पहले तो उसका एक आईडी रहेगा, ठीक है, तो इंटीजर आईडी, आईडी, एंड देन एम्प्लॉय का नेम रहेगा स्ट्रिंग नेम, और एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग एड्रेस अभी के लिए, इतना ही सिर्फ, ठीक है। ओके, तो हमने ऑलरेडी एक देखा है कि हम एट द रेट एंटिटी, तो ये क्लास को हमें एंटिटी बनाना है, तो हम यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन लिखेंगे। ये एनोटेशन क्या है ये हमने डिटेल में देखा है, एंटिटी एनोटेशन करता क्या है ये भी हमने देखा है, ठीक है। फॉर्म डॉट एग्जामिन में हमने ये देखो पूरी डिपेंडेंसी आ गई है जो कि हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से दी थी। ओके, तो हम एम्प्लॉय डॉट जावा में जाएंगे और यहाँ पे होवर करेंगे ना, तो ये हमें जेपीए की डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, इम्पोर्ट एंटिटी चक्रा परसिस्टेंस। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया है। अभी हमें ये आईडी को प्राइमरी की बनाना है, तो उसके लिए एनोटेशन कौन सा है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे होवर करेंगे एंड ये वाली अपन लेंगे जकरा परसिस्टेंस, जेपीए वाली आईडी लेंगे। तो अभी हम गेटर्स एंड सेटर्स बना देंगे, तो कैसे बनेंगे, सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स एंड सिलेक्ट ऑल जनरेट, ये गेटर्स एंड सेटर्स भी बन गए। एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर बना देंगे अपन, तो कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो सबसे पहले तो फील्ड से बना देंगे एंड कंस्ट्रक्टर विदाउट यूजिंग फील्ड, वैसे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, डिसलेक्ट ऑल कर दो और जनरेट, सो हमारा दोनों कंस्ट्रक्टर भी बन गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई है हमारी। तो ये गेटर्स एंड सेटर्स तो इजी है कि गेट आईडी ये आईडी, और हमने गेटर्स एंड सेटर्स बना दिया है, तो ये हमारे जो भी वेरिएबल्स रहेंगे ना उसको प्राइवेट कर देंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है, एनकैप्सुलेशन का, क्योंकि कोई भी अदर क्लास हमारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस तो नहीं कर सकती, ये हमें पता है रूल, उसको एक्सेस करने के लिए हम गेटर्स एंड सेटर्स मेथड लगा रहे हैं, ये हमने इनकैप्सुलेशन में डिटेल में देखा है। ओके, तो अभी हमें ये आईडी को है ना ऑटो जनरेट करने का है, तो उसके लिए हम एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी ऑटो जनरेशन टाइप ऑटो ये लिख देंगे, और इसको हम इम्पोर्ट करेंगे, जेपीए वाला ही लेंगे, और यहाँ पे भी होर करेंगे हम जेपीए वाला ही लेंगे, ठीक है। तो एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू जनरेटेड टाइप ऑटो, और अभी बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऐसा ही बना दूँ तो जो भी मेरा MySQL रहेगा, क्योंकि मैंने MySQL ड्राइवर यूज़ किया है, जो भी मेरा डेटाबेस रहेगा ना वहाँ पे टेबल एम्प्लॉय के नाम से बनेगा। अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए मैं एट द रेट टेबल एनोटेशन यूज़ करूँगा। ओके, तो एट द रेट टेबल एनोटेशन यूज़ करूँगा मैं, और मुझे जो भी टेबल का नाम देना है वो लूँगा। ओके, तो लेट से मैं नाम दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय टेबल, ऐसा मैंने अभी का नाम दे दिया है, और इसको होवर करूँगा एंड इम्पोर्ट फ्रॉम जेपीए। ये देखो यहाँ पे हमें हाइबरनेट से यूज़ नहीं करना है, जेपीए से यूज़ करेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि क्या है जेपीए क्या है स्पेसिफिकेशन है एंड द हाइबरनेट इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर कल जाके ये प्रोजेक्ट हमें कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन से करने का है, यानी कल जाके हम हाइबरनेट यूज़ नहीं करेंगे और कोई यूज़ करेंगे, तो हमें हमारे कोड में बहुत कम चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जेपीए से लिया है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में देखा है कि जेपीए एंड जेपीए क्या है, स्पेसिफिकेशन है, सेट ऑफ इंटरफेस है, एंड हाइबरनेट इज़ वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, ऐसे बहुत सारे हैं, इक्लिप्स लिंक और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो ये हमारा एंटिटी तो हो गया है, ठीक है। तो हमने किया गया है ये एनोटेशन, इसके एट द रेट एंटिटी, एट द रेट टेबल, एट द रेट आईडी, गेटर्स एंड सेटर्स बना दिए, ये हमारा एक एंटिटी बन गया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिपोजिटरी में जाएंगे, रिपोजिटरी फोल्डर वहाँ पे बनाएंगे हम एक इंटरफेस, एम्प्लॉय रिपोजिटरी ये ऐसा नाम देते हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ये हमने एक इंटरफेस बना दिया जो कि एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी को, ठीक है, एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी। ओके, जिसके अंदर दो चीज़ होती है, फर्स्ट नेम ऑफ द एंटिटी दैट इज एम्प्लॉय,
एंड उसके अंदर जो भी प्राइमरी की है उसका टाइप इंटीजर। ओके, तो ये एम्प्लॉई को हम यहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं। तो अभी हम एम्प्लॉई को सेव कर देते हैं एंड ऐड टाइप पैरामीटर एम्प्लॉई टू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जेपी रिपोजिटरी को हम होवर करेंगे एंड हाँ, तो अच्छा ये जेपी पी ए स्मॉल है तो हम इसको इंपोर्ट कर देंगे एंड ये एम्प्लॉई इंपोर्ट एम्प्लॉई। ये देखो हमारा क्रड डेमो डॉट एंटिटी से हमने सेव नहीं किया था इसलिए वो आ रहा नहीं था, तो हमने दोनों को इंपोर्ट कर दिया है और बस ये इतना ही कोड है। ठीक है, सेव कर देंगे, एरर चल जाएंगे। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेस है ये, इसके अंदर तो जो स्पेसिफिकेशन होता है और बाय डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी जेपीए रिपोजिटरी के अंदर तो है ही, जो जो मेथड्स है तो इसके अंदर आप देख भी सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइबरनेट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम कौन सा एनोटेशन देंगे, एट द रेट रिपोजिटरी। ये हमने डिटेल में देखा है कि हम कौन से एनोटेशन देते हैं। ओके, तो ये भी हमने लगा दिया। तो ये रिपोजिटरी एनोटेशन, ये देखो यहाँ पे तुम गौर करोगे तो तुमको बताएंगा ये कि ये एक एनोटेशन, ये चार एनोटेशन से मिलकर बना है और कंपोनेंट तो हमने स्प्रिंग में देखा ही है। ठीक है, तो वही है, वो खुद के ऑब्जेक्ट बनाओ। तो अभी जाएंगे हम सर्विस में, तो सर्विस में जाएंगे और क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय सर्विस नाम की क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय सर्विस एंड देन एम्प्लॉय सर्विस नाम की क्लास बन गई है, तो उसको फिनिश कर देंगे। एम्प्लॉय सर्विस नाम की क्लास बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोटेशन कौन सा देंगे, एट द रेट सर्विस, एट द सर्विस एनोटेशन देंगे यहाँ पे, इंपोर्ट सर्विस कर देंगे। और ये मैंने आपको फ्लो बताया था, कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी का। ठीक है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और यही मैं कॉपी कर देता हूँ, ये तो कंट्रोल सेट कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ पे ई स्मॉल कर देता हूँ, ये हो जाएगा उसका नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी को होवर करता हूँ एंड इंपोर्ट फ्रॉम क्रड डेमो, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी मैं कंस्ट्रक्टर बनूंगा, तो जनरेट कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एट द रेट सर्विस एनोटेशन भी बहुत सारे एनोटेशन से मिलके बना है, बट एक एनोटेशन मेन है कि ये क्या बोलेगा कि एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद बना के देगा। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी स्प्रिंग में देखा है कि एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता था, कि वो जिसके ऊपर भी तुम कोई भी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा देते थे तो स्प्रिंग उसके ऑब्जेक्ट खुद बना के तुमको देता था, एंड वो खुद दे रहा है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल अब तुम नहीं कर रहे हो, वो कर रहा है और तुमको ला के दे रहा है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, और ये एक प्रकार का डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही है। इधर हम कौन सा लिखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, एट द रेट ऑटो वायर्ड। ठीक है ना, एट द रेट ऑटो वायर्ड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे लाके दे दो हमें। ओके, तो हमारे एम्प्लॉय सर्विस, हम अब आगे लिखेंगे कोड एंड अब कंट्रोलर की बारी। तो यहाँ पे हम क्लास बनेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास बना दिया है। एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास के ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये भी वही बहुत सारे एनोटेशन से मिलके बना है, बट मेन कौन सा है उसके अंदर, कि एट द रेट कंपोनेंट, जो कि क्या बोलेंगे इसको ऑब्जेक्ट स्प्रिंग खुद बना के देंगे आपने को। ओके, तो कंट्रोलर किस पे डिपेंड करता है, सर्विस पे, तो हम प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस
तो हमने ये वेरिएबल बना दिया, इसको इंपोर्ट करेंगे, तो एम्प्लॉय सर्विस बन गया। अब क्या बनाएंगे हम, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर भी बना दिया है, और हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। ये तो एक वेरिएबल है, एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, लेकिन ये हमें कंस्ट्रक्टर में एक्चुअल ऑब्जेक्ट ला के दे रहा है ना, जो कि ये एम्प्लॉय सर्विस में, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस में ये डाल के दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑटो वायर्ड, ठीक है, एट द रेट ऑटो वायर्ड लिखेंगे हम, और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें, और अब एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, ये एट द रेट नहीं आया, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, हम मैपिंग कहाँ पे करेंगे, स्लैश स्टूडेंट पे। हाँ, या अभी एम्प्लॉय बना रहे हैं ना हम, तो एम्प्लॉय EMPLOYW, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग बता देता हूँ तुमको, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम एक्चुअल पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे, ओके। कुछ नहीं है, ये सीधा रिक्वेस्ट मैपिंग है, यानी हम हमारा जो भी, ये बेसिकली एंड पॉइंट बोल सकते हो, जैसे डोमेन नेम तो हमारा अभी हम लैपटॉप में ही, हमारे खुद के लैपटॉप में कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट रहेगा, ओके। स्लैश एम्प्लॉय पे हमें चारों ऑपरेशन करने का है, स्लैश एम्प्लॉय पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे जो कि रहेगा पब्लिक वॉइड क्रिएट एम्प्लॉय, हमको एक एम्प्लॉय बनाने का है। तो सबसे पहले तो है ना, एकदम हम बेसिक लॉजिक सब एकदम इजीली है, बहुत इजीली है, ठीक है। हम एक बेसिक मेथड बनाएंगे अभी, तो अभी है ना, मतलब ये सब बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि ये हमने सब समझ लिया है कि एनोटेशन क्या होते हैं, ऑटो वायर क्या होते हैं, ये एक एनोटेशन, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अगर तुमने है ना, तुम्हारे एक बार के कंसेप्ट क्लियर है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट एंड द हाइबरनेट जेपी ओवर है, तो बहुत ईजी है ये, तो अब बेसिक जावा के लॉजिक्स है जो तुमको सोचने का है और लिखना है, ओके। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंट्रोलर जो भी होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एंड पॉइंट होते हैं, वो एपीआई को एक्सपोज करता है, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक कहाँ पे होता है, सर्विस में, ठीक है। और सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, ये हमने ऑलरेडी फ्लो देखा है कि कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी डेटाबेस से इंटरेक्शन करता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन रिपोजिटरी जेपीआई रिपोजिटरी से, यानी मैंने बोला था ना कि रिपोजिटरी ORM एंड ORM JDBC, तो ये ORM तो बेसिकली एक कंसेप्ट था, लेकिन जेपी है उसका स्पेसिफिकेशन है, एंड द हाइबरनेट वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रिपोजिटरी हमारा जेपीए रिपोजिटरी से बात करता है, एंड द जेपीए रिपोजिटरी जो एक्चुअल काम है वो बिहाइंड द सीन JDBC के थ्रू वो डेटाबेस में सेव रीड अपडेट डिलीट जो भी करना है वो करता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे एक एम्प्लॉय बनाने का है, एम्प्लॉय बनाने का है मतलब मुझे कुछ देना पड़ेगा, यानी पोस्टमैन में तुम इमेजिन करो, जब तुम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे ना, पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे यानी तुम्हारा डेटा सेव होगा, यानी तुम्हारा एक एम्प्लॉय बनेगा, क्रिएट होगा, तो तुम पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, ये तो समझ गया। और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम डेटा एक्चुअली देते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। हम बॉडी में क्या देंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट देंगे हम, ठीक है, एम्प्लॉय P1, लेट से हम ऐसा नाम देते हैं। ये देखो जो एक्चुअल जो गुड प्रैक्टिस होती है ना, हम वहाँ पे DTO बनाते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी के लिए हम सीखने के लिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट को ही दे रहे हैं, वरना हम यहाँ पे एक DTO करके एक पैकेज बनाते थे और उसके अंदर हम लिखते थे, ओके, ठीक है। तो ये एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी पे हम होवर करेंगे, एंड ओके, फिर से होवर करेंगे, ये क्या हो गया, हाँ आ गया, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट बॉडी फ्रॉम स्प्रिंग, ठीक है। अभी एम्प्लॉय के ऊपर होवर करेंगे, एंड ये हमें क्रड डेमो से लाके दे देंगे, और हम क्या करेंगे, एक्चुअल लॉजिक कहाँ पे होता है, सर्विस क्लास में। तो हम एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट, वहाँ पे भी हम मेथड का नाम क्रिएट एम्प्लॉय लिखते हैं, ठीक है, EMPLOYW, और इसके अंदर हम
E1 पास कर देंगे। ओके और हम सेव करते हैं और ये क्रिएट एम्प्लॉय के ऊपर क्रिएट करते हैं, और क्रिएट मेथड क्रिएट एम्प्लॉय ये मेथड बना देंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले तो कंट्रोलर में जाएंगे हम, और ये कौन थी हमारी पोस्ट मैपिंग, तो ऐट द रेट पोस्ट मैपिंग, ठीक है तो क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। ओके ठीक है, तो अभी हम सर्विस में जाएंगे एंड यहाँ पे क्या है, क्रिएट एम्प्लॉय हमारी मेथड बन गई है। और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, तो हम रिपोजिटरी का रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट एक सेव मेथड है, ये देखो सेव मेथड है जिसका रिटर्न टाइप क्या है एंटिटी E1। ओके ठीक है, तो यहाँ पे तुम होवर करोगे ना तो हमने देखा इसका रिटर्न टाइप क्या है एम्प्लॉय, यानी ये रिटर्न अगर हमने किया ना तो ये रिटर्न भी कर सकता है। तो लेट से हम अगर रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये क्या जाएंगे उधर एम्प्लॉय, ठीक है एम्प्लॉय यहाँ से रिटर्न जाएंगे एंड इसको सेव करते हैं और कंट्रोलर में जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम EMPL एम्प्लॉय एंड ये भी हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी वहाँ पे हमको अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलेगा और बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट को जेसन में करता है, ठीक है ये सब बिहाइंड द सीन हो रहा है जो सब हमें ये स्प्रिंगवुड हमें करके देता है। तो हमने एक मेथड तो बना दिए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम यही चेक करेंगे एंड फिर धीरे धीरे बाकी तीन क्रॉड ऑपरेशन भी बनाएंगे। ओके लेकिन हमें पोस्टमैन में हम चेक करने के पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन तो किया ही नहीं है ना, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन JP कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वो कॉपी करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में एंड ये कंट्रोल भी यहाँ पे कर देंगे हम। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बस इसके अंदर तुमको डेटाबेस का खुद का नाम देना पड़ता है एंड द यूज़र नेम पासवर्ड। ओके एंड देन JP हाइबरनेट API के, ठीक है तो ये सब तो वही है। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं एंड जो हमारा एप्लीकेशन है जो कि एंट्री पॉइंट है उसको रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। ओके और कुछ एरर आते हैं क्या हम देखेंगे। ओके ये हमारा एप्लीकेशन है, तो ये देखो हमें आ गया है, कुछ भी एरर नहीं आया, टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8085, क्योंकि मैंने इसके अंदर 8085 लिखा था, ये देखो सर्वर डॉट पोर्ट ना, तो बाय डिफॉल्ट कौन था तो है वो 8080, ये पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं, तो हम पोस्ट पे जाएंगे और हमारा एंड पॉइंट क्या था एम्प्लॉय था, ठीक है एम्प्लॉय था, और हम बॉडी में जाएंगे और हमने क्या क्या लिखा था, आईडी था जो इंटीजर आईडी था एंड स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एड्रेस, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम और एड्रेस तो आ ही गया इसके अंदर, ये कुछ भी था शायद मैंने कुछ दूसरा चेक कर रहा था, बट ठीक है एज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज़ हम इसे भी ले सकते हैं। ओके तो हम ये पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ एरर आता है क्या। ये देखो हमने रिटर्न किया ना उसके कारण हमें आ गया और स्टेटस को 200 भी है, मतलब सक्सेसफुल हो गया, यानी अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे ना तो रन हो जाएगा। ओके सॉरी डेटाबेस में चेक करेंगे ना तो हमें वो दिखेगा, देखते हैं। तो ये देखो एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे बन गया है, तो एम्प्लॉय टेबल को हम जैसे ही रन करेंगे ये देखो हमारे पास आ गया एक आईडी, जिसका एड्रेस और हमने नेम ये रैंडम हमने ऑलरेडी था वो ही दे दिया था, तो हमारा जो बेसिक था वो तो हो गया रन, ठीक है तो एक जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो हो गया हमारा सेव। ओके तो ये तुमको अभी समझ में आ रहा होगा कि हमने JPA देखा था और स्प्रिंग बूट के अंदर जो स्प्रिंग JPA है उसमें डिफरेंस क्या है, तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अब बिहाइंड द सीन वर्क कैसे हो रहा है तुमको समझ में आ गया होगा, हमने जब JPA और हाइबरनेट देखा था तो वहाँ पे हम पूरा कोड लिखते थे, एक सेव के लिए हम बहुत कुछ बनाते थे, जैसे एंटिटी मैनेजर जो कि एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता था, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री जो एंटिटी मैनेजर को बनाता था, ठीक है उसके अंदर ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करते थे फिर उसके अंदर सेव करते थे, परसिस एक मेथड थी, ठीक है ना,
तो अब बिहाइंड द सीन हमें कोड लिखने की गरज ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग जेपीए ऑलरेडी उसे संभाल लेता है। वो सिर्फ जेपीए था और ये स्प्रिंग जेपीए, इसके अंदर हमें कोड लिखने की गरज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी एकदम सेव का मेथड था जो कि हो गया है। अब हम बाकी तीन ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको किल कर देते हैं एंड हम कंट्रोलर में जाएंगे। तो हमारा एक मेथड तो बन गया क्रिएट एम्प्लॉय। अब हम रीड एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी है। तुम बताओ, अब तुमको एम्प्लॉय रीड करने का है तो तुम पास क्या करोगे? जैसे गेट एम्प्लॉय भी बोल सकते हो तुम। तो तुमको गेट एम्प्लॉय, एक तो तुमको पूरी जितने भी एम्प्लॉय है उसकी लिस्ट होना, या पर्टिकुलर तुम आईडी दोगे वो एम्प्लॉय की तुमको होना। यानी हम यहाँ पे दो मेथड बनाएंगे, ये तो समझ गए। ओके ओके, तो लेट्स हैं पब्लिक वॉइड गेट एम्प्लॉय। इसका रिटर्न टाइप पहली बात तो वॉइड नहीं रहेगा, हमें एम्प्लॉय गेट चाहिए, यानी रिटर्न टाइप क्या रहेगा? एम्प्लॉय। हम सबसे पहले एक एम्प्लॉय लेंगे, एक एम्प्लॉय लेंगे यानी हमें पाथ वेरिएबल देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या हम क्यूरी पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो हम पाथ वेरिएबल देंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल, और हम ये रन कैसे होता है? सबसे पहले तो इधर मैं गेट मैपिंग लिख देता हूँ। ठीक है, गेट मैपिंग में यहाँ पे मैं स्लैश यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा। ओके, और यहाँ पे पाथ वेरिएबल हमारा इंटीजर एक आईडी देंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे क्या, हमारा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी। अब आईडी कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कोई भी आईडी रहेंगी हमारी, और वो आईडी के हम फेच करेंगे। तो एट द रेट गेट मैपिंग को हम इम्पोर्ट करेंगे, एट द पाथ वेरिएबल को इम्पोर्ट करेंगे। एंड ये एरर क्यों नहीं गया है? ओके, हमने यहाँ पे बनाया नहीं है अभी एरर जाने को। हाँ, ये एरर नहीं जाएगा क्योंकि हमें रिटर्न कुछ किया ही नहीं है, तो जब तक कि रिटर्न एम्प्लॉय नहीं करेंगे ये एरर नहीं जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सब काम तो सर्विस क्लास ही करती है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय। हम ऐसे एक मेथड बना देंगे, इसको ही कॉपी करके हमें गेट एम्प्लॉय चाहिए। उधर भी हम मेथड का नाम गेट एम्प्लॉय रखेंगे एंड इसके अंदर हम ये आईडी पास कर देंगे। ओके ठीक है, तो ये गेट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एक सेकेंड ये फिर से क्लिक करेंगे एंड क्रिएट मेथड गेट एम्प्लॉय इंटीजर इन द एम्प्लॉय सर्विस, ये बोलता है तो हम ऐसा कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गेट होना तो उसके लिए एक मेथड होंगी बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी के अंदर, तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी कॉपी कर लेते हैं डॉट फाइंड बाय आईडी। एक मेथड है फाइंड, ये देखो फाइंड बाय आईडी। हाँ, ये देखो फाइंड बाय आईडी है जिसका रिटर्न टाइप है ऑप्शनल एम्प्लॉय। ठीक है, यानी वो एम्प्लॉय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द आईडी। कि फॉर एग्जांपल अभी तक के हमने हमारे डेटाबेस में तुमने देखा होगा कि सभी तक अभी तक के एक ही हमने एम्प्लॉय स्टोर किया है, लेकिन तुम गेट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ 5 करोगे, स्लैश स्टूडेंट स्लैश 5, वो तो है ही नहीं ना, तो हमें वो नल दे देंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शनल स्टूडेंट है इसका रिटर्न टाइप, तो हम यहाँ पे ऑप्शनल स्टूडेंट ऑप्शनल एम्प्लॉय वैसा भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे देखो अगर हमें एम्प्लॉय रिटर्न करने का है तो गेट, ये देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है एम्प्लॉय, ये हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय आ जाएगा, या हम ऑप्शनल एम्प्लॉय भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द। ठीक है, तो अभी का हम यही कर देते हैं। तो हमारा एम्प्लॉय भी गेट हो गया है, तो कंट्रोलर में क्यों एरर बता रहा है? हाँ, सेव कर दिया, एरर चली गया। तो ये देखो गेट हो गया, पोस्ट हो गया है। तो हम अपडेट डिलीट भी एक साथ में कर देते हैं और फिर चेक करेंगे। ठीक है,
तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। गेट मैपिंग की जगह क्या करेंगे हम, पुट मैपिंग। हमें अपडेट करना है, अपडेट के लिए वर्ड है पुट मैपिंग, पी कैपिटल। तो अब तुम सोचो, तुमको अपडेट करना है, तो अपडेट करना है तो तुम्हारे पास दो चीज़ें लगेंगी, कौनते आईडी के अपडेट करना है, एंड तुमको अपडेटेड डेटा भी तो भेजना पड़ेगा ना, अपडेटेड एम्प्लॉय का डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी तो आएंगे ही, बट और चीज़ क्या आएंगी, रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉय E1। ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और सबसे पहले तो हम गेट एम्प्लॉय की जगह अपडेट एम्प्लॉय नाम लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे भी अपडेट एम्प्लॉय एंड आईडी एंड E1। ठीक है, दो चीज़ पास किए ना, और पुट मैपिंग के क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे। तो इसकी क्या रहेंगे, स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, ये आईडी के हमें अपडेट करना है, तो हम ये E1 दे रहे हैं जो अपडेटेड है। ओके, और ये इधर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट मेथड, ये हमें मेथड बना के दे देंगे। और अपडेट का लॉजिक अच्छा रहेगा, तुम सोचो अब तुम्हें अपडेट करना है, यानी क्या करूँगी कैसे करूँगी। तो ये देखो, तुमको स्टूडेंट को अपडेट करना है, और रिटर्न फिर से तुमको वो अपडेटेड स्टूडेंट करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये देखो, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो ये वाले आईडी का हमको एक स्टूडेंट मिल जाएगा, यानी हम इसको स्टूडेंट एम्प्लॉय में स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय लेट से E2 नाम दे रहा हूँ मैं। तो ये जो भी ऑलरेडी जो डेटाबेस में एम्प्लॉय रहेगा ये आईडी का, वो हम एम्प्लॉय E2 में स्टोर कर दिए। ठीक है, वो एम्प्लॉय का हमारे पास अब डेटा आ गया है। तो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, एक इंटीजर, एक इंटीजर लेट से आईडी ऑलरेडी है, तो हम एक वेरिएबल क्या लेंगे, लेट से आईडी 1। ठीक है, तो ये जो हमने एम्प्लॉय ले लिया है उसकी एक आईडी होगी, तो E2.get आईडी, हमारे पास उसकी आईडी आ गई। और हमारा नया एम्प्लॉय क्या है ये हमें पता है, अपडेटेड एम्प्लॉय क्या है पता है। अब तुम ही सोचो, तुम्हें अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करूँगी। जो भी तुम्हारा एम्प्लॉय जो स्टोर है उसके अंदर, उसको अपडेट करना है ना, तो वो सबसे पहले तुमने गेट कर लिया, उसकी आईडी क्या है, तुमने वो आईडी भी ID1 में रख दी है। नहीं, ये आईडी तो हमें ऑलरेडी पता है ना, ये वाली इंटीजर आईडी। ओके, अपन फिर डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं ना कि ये देखो, E1 डॉट सेट आईडी, तुम E1 में सेट आईडी ये वाली आईडी डाल दो। ठीक है ना, अभी है ना, अपन कुछ चेक नहीं कर रहे कि वो आईडी का प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि वो सब हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा एक्सेप्शनल हैंडलिंग सब हम चेक करने वाले हैं कि आईडी का प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अभी एक बेसिक एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम सब राइट ही करेंगे पोस्टमैन में, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो E1 डॉट सेट आईडी में मैं ये वाली आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, और हमारा अपडेटेड तो E1 है ही, हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, ये हमने देखा है, ये वाला कोड फिर से कॉपी कर देंगे एंड कॉपी एंड पेस्ट, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव E1। ओके, ठीक है। तो वैसे है ना, यहाँ पे E1 डॉट सेट आईडी हम E2 डॉट गेट आईडी ये भी कर सकते हैं, अगर हमें एम्प्लॉय नहीं मिला फिर वो एरर रहेंगे। ठीक है ना, तो वैसा हमें हैंडल हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, और यहाँ से हम रिटर्न E1 कर देंगे, और इसको हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट का भी इजी है, वो भी हम कर ही सकते हैं, बट उसके पहले हम इतना पूरा चेक करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड ओके। तो स्टार्ट तो हो गया है पोर्ट, तो लेट्स से हम चेक करते हैं।
सबसे पहले तो हम और एक एम्प्लॉय डाल देते हैं, तो साइन। तो अभी सेकंड एम्प्लॉय भी बन गया है, और अभी हमें अपडेट क्या करना है, या गेट कर लेते पहले, गेट ऑफ सेकंड एम्प्लॉय। गेट में डेटा वैसे भी जाता नहीं है, तो उससे कुछ एरर नहीं आएगा हमें। ये गेट भी हो गया हमें, अभी हमें अपडेट करना है। तो हम अपडेट करके सेकंड एम्प्लॉय के लिए ये 2 के जगह 3 करते हैं, देखते हैं होता है क्या। रिटर्न में हमें ये देखो 3 हो गया, अपडेटेड हो गया। तो अगर हम अब इसके जगह 5 करते हैं तो एरर कुछ ना कुछ आएगा। ये देखो एरर आ गया, तो ये सब एरर को हम हैंडल करेंगे, और उसके लिए हम कोड भी बहुत अच्छा लिखेंगे नेक्स्ट इसमें। ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि हाउ एक्चुअली ये सब वर्क कैसे होता है। ठीक है, ओके। देन कल हम एरर को हैंडल करना सीखेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई स्प्रिंग सिक्योरिटी इन दिस प्रोजेक्ट।